हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संविधान और राज व्यवस्था यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस अध्याय में, इस कक्षा में। मैं सुमित कुमार शर्मा एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज से अपन संविधान और राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज की कक्षा अपनी एक परिचयात्मक कक्षा यानी कि इंट्रोडक्टरी कक्षा के रूप में रहेगी, इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में रहेगी। इसमें अपन जानेंगे कि संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है। आज तक आपने जो भी पढ़ा होगा वो संविधान को, राज व्यवस्था को अलग अलग समझकर पढ़ा होगा, या फिर यूं कहूं कि आपने पॉलिटी को ही संविधान समझकर के पढ़ा होगा, या फिर संविधान को ही राज व्यवस्था पढ़ करके समझ करके पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपको इन दोनों के मध्य भेद बताऊंगा, अंतर बताऊंगा कि ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं और किस प्रकार से ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक और संपूरक हैं। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। इसके बाद की कक्षाओं में अपन एक एक अध्याय लेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे और उनका विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे। ये कक्षाएं पूर्णतया तो यूपीएससी की मेंस और प्री एग्जाम पर आधारित हैं, लेकिन इन कक्षाओं को करके आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट कर सकते हैं, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में आने वाले पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसलिए आप चाहे किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप इन कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं, इन कक्षाओं को ले सकते हैं। और ये कक्षाएं पूर्णतया निःशुल्क रहेंगी, इनके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके चार्ज के रूप में आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इन कक्षाओं का फायदा मिल सके। अब चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे हो, इन कक्षाओं के नोट्स अगर आप बना रहे हो, तो आपको किसी अन्य प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की अन्य पुस्तक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस पुस्तक में जो चीज़ें दी हुई हैं इनसे ज़्यादा मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अतिरिक्त उनको समझने का तरीका आप में विकसित किया जाएगा। इन कक्षाओं को, इस कोर्स को आप जब पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पॉलिटी केवल समझेंगे नहीं, पॉलिटी केवल पढ़ेंगे नहीं, आप उसको सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आप पॉलिटी किसी दूसरे को पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान और राजव्यवस्था, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को अपन एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इन दोनों को एक साथ समझते हुए चलेंगे। यूपीएससी के नजरिए से देखूं तो पॉलिटी से प्री एग्जामिनेशन में भी जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है उसमें भी काफ़ी हद तक 14 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मेंस की बात करूं तो मेंस के जीएस पेपर सेकंड के अंदर इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, 100-110 नंबर के लगभग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन बिना किसी देरी के आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज है,
किस प्रकार से संविधान है, किस प्रकार से राजव्यवस्था है, संविधान क्या है, राजव्यवस्था क्या है, संविधान राजव्यवस्था का पूरक कैसे है, संविधान संपूरक कैसे है, ये सभी चीजें आज अपन आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे और काफी तथ्य भी आप नोट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें ताकि आपको इन कक्षाओं का भरपूर फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने दिमाग में आता है कि संविधान क्या होता है। अपन अगर बात करें तो दिमाग में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। What is constitution? संविधान क्या है? देखिए, कई लोग तो इसके बारे में कहते हैं कि ये एक कानूनों की या फिर नियमों की पुस्तक मात्र है। कई विचारक क्या कहते हैं कि संविधान कानूनों या नियमों की एक पुस्तक मात्र है, ठीक है। और देखा जाए तो यही सत्य भी है कि संविधान जो है वो विभिन्न कानूनों और नियमों की एक पुस्तक मात्र ही है, जिसमें कानूनों और नियमों का संग्रह किया गया है, प्रावधानों का संग्रह किया गया है। अब आप इसकी परिभाषा लिखिए, संविधान की परिभाषा लिखिएगा कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, किसी देश का शासन चलाया जाता। यह संविधान की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। क्या? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह क्या होता है? संविधान होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या? उन प्रावधानों का संग्रह है जिनके आधार पर देश का क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। उन नियम कायदे कानूनों का एक संग्रह होता है जिनके आधार पर देश को संचालित किया जाता है राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से, देश के शासन को संभाला जाता है, देश की सत्ता को चलाया जाता है, ठीक है। यह हो गई संविधान की परिभाषा। अब इसमें एक चीज, एक शब्द आया है, क्या? शासन। क्या आया है? शासन, यानी कि रूल। क्या? रूल। शासन होता क्या है? शासन क्या होता है? यह चीज आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि शासन क्या होता है, रूल। व्हाट इज रूल? शासन होता क्या है? तो समझते हैं कि शासन होता क्या है। देखिएगा, शासन जो है वो सार्वजनिक जीवन का संचालन होता है, यानी कि किसी भी देश का जो सार्वजनिक जीवन है, पूरे देश का जो जीवन है, देश में जो निवासी हैं, देश के जो नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों के नागरिकों का सार्वजनिक जो जीवन है, सभी का जो जीवन है, उसका संचालन किस प्रकार से होता है, उसको क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। उसको सार्वजनिक रूप से जीवन का जो संचालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक जीवन कहते हैं। अब एक सार्वजनिक शब्द इसमें आया है। क्या आया है? सार्वजनिक शब्द। एक एक शब्द का कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा।
इसलिए आप आराम से बैठ करके क्लास को सुनते रहें और नोट्स अपने बनाते चलें। तो शब्द आया है सार्वजनिक। सार्वजनिक शब्द आपने काफी जगह सुना होगा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो निजी ना हो। क्या होता है? जो निजी ना हो, किसी व्यक्ति विशेष की प्राइवेट चीज ना हो, जो निजी ना हो, जो सभी के लिए हो, सार्वजनिक हो, वो क्या होती है? जो निजी नहीं होती है वो क्या होती है? सार्वजनिक होती है। अब किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का जीवन उसका प्राइवेट जीवन है, उसका निजी जीवन है, लेकिन एक समुदाय, एक राज्य, एक देश, एक क्षेत्र का जीवन है सार्वजनिक जीवन है। उसमें निवास करने वाले निवासियों का, नागरिकों का जीवन जो है वो सार्वजनिक जीवन है, होता है। जबकि मेरा जीवन मेरा निजी जीवन है, आपका खुद का स्वयं का जीवन आपके लिए आपका निजी जीवन है, जबकि आपका, मेरा और अपने आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों का, सभी नागरिकों का जो जीवन है वो क्या होता है? वो सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत आता है, यानी कि वो क्या होता है? सभी का सामूहिक हित होता है। सामूहिक हित में किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। अब बात आई सार्वजनिक जीवन का संचालन। सार्वजनिक जीवन का संचालन किस प्रकार से किया जाता है भाई? यहां एक निजी जीवन का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, तो शासन के माध्यम से सार्वजनिक सभी के जीवन का संचालन किस प्रकार से किया जाता है? तो सार्वजनिक संचालन, जो सार्वजनिक जीवन का संचालन है, सार्वजनिक जीवन को जो चलाया जाता है वो मुख्यतः चार आयामों से चलाया जाता है। इसके कितने आयाम हैं? चार आयाम। चार आयामों से सार्वजनिक जीवन का संचालन होता है। ये चार आयाम कौन कौन से हैं? पहला आयाम है इसका राजनीतिक व्यवस्था। क्या? राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें अपना मंत्रिमंडल बैठता है, जिसमें अपने प्रधानमंत्री होते हैं। यह मंत्रिमंडल जो होता है, ये राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं और उसके आधार पर वो कानून, नियम, कानून, कायदे बनाते हैं और सार्वजनिक जीवन का संचालन ठीक ढंग से करते हैं। कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो उसको रोकने के लिए राजनीतिक व्यवस्था कायम है, वो नियम बनाएगी, संशोधन करके कानून बनाएगी। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरी चीज होती है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था। क्या? किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, किसी भी देश, राज्य, क्षेत्र की जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो सार्वजनिक जीवन के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि किस प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था डेवलप हुई है, किस प्रकार से एक देश की इकोनॉमी बनी है, उस आधार पर उस देश के निवासियों का जीवन आधारित होता है। किस पर? आर्थिक व्यवस्था पर, इकोनॉमी पर। इस चीज को आप जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, इकोनॉमी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आप ज्यादा ठीक ढंग से आपको समझ में आएगा। और आगे के टॉपिक्स जब अपन कवर करेंगे तब भी आपको यह ठीक ढंग से समझ में आएगा। अभी आप चार आयामों के रूप में देख लीजिए। तीसरा जो आयाम है वो है किसी भी देश की विदेश नीति। किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो उस देश के शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि किसी भी देश की जो विदेश नीति है, विदेशों के साथ उनका कैसा व्यवहार है, किस प्रकार से उनका व्यापारिक संबंध किसी देश के साथ है, किसी अन्य देशों के साथ है, अन्य देशों के साथ उनकी मित्रता का व्यवहार कैसा है, उनकी उस देश की शत्रुता का व्यवहार कैसा है, किस देश के साथ उसकी मित्रता है, किस देश के साथ व्यापार है, शत्रुता है, किस देश के साथ इकोनॉमी डेवलपमेंट में मिलकर कार्य कर रहा है, ये सभी चीजें जो हैं ये
उस देश की शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ही जरूरी होती हैं। ठीक है, तीन चीजें अपन ने देख ली, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और विदेश नीति। और इन तीनों का आधार क्या होता है, इन तीनों को ठीक ढंग से चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज अपने पास क्या होती है, सबसे जरूरी चीज अपने पास होती है शिक्षा व्यवस्था। क्या होती है? शिक्षा व्यवस्था। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए उस देश के नागरिकों की शिक्षा बहुत जरूरी होती है। उस देश के नागरिक कितने शिक्षित हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस आधार पर वे अपने पर शासन करने के लिए शासक समूह का चयन करेंगे। अगर वो शिक्षित होंगे तो अच्छे और बढ़िया काम करने वाले, बढ़िया विदेश नीति बनाने वाले, बढ़िया इकोनॉमी डेवलप करने वाले जो राजनेता होंगे उन व्यक्तियों का चयन करेंगे। अगर वह समाज क्या है, अशिक्षित है, क्या है, अशिक्षित है, तो भैया उसमें आधार बदल जाएंगे। उसमें आधार जाति, धर्म, लिंग, पुरुष, जो संप्रदाय, इन सब में बट जाएंगे। इसके आधार पर वो लोग फिर अपने राजनेताओं का चयन करने लग जाएंगे। ये सब चीजें अपन बहुत ही डिटेल में आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप इन चार आयामों को देख लीजिए कि सार्वजनिक जीवन का संचालन यानी कि शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण चार